वैष्णवाचार्य महान भावों ने कहा, सुषुप्ति में अगर अहम ना होता तो अहंग्रह पूर्वक स्मृति कैसे होती। सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम। वस्तुस्थिति यह है सज्जनों की सुषुप्ति को और स्वप्न को समझना बहुत कठिन है शायद विश्व में प्रकट दृष्टि से। ऋषि मुनियों को छोड़कर, अदृष्टिगोचर महापुरुषों को छोड़कर पांच व्यक्ति अगर निकल जाएं जिनको स्वप्न और सुषुप्ति का, सुषुप्ति के टूट जाने पर स्मृति के रहस्य का ज्ञान हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि विश्व का वो भाग्य है पांच से अधिक व्यक्ति इस बात को जानते, अधिक से अधिक पांच, पांच भी बहुत है। इतना गंभीर तथ्य है सुषुप्ति का अनुशीलन, स्वप्न का अनुशीलन। सचमुच में एक विभ्रम होता है कि सुषुप्ति में अगर अहम होता, विज्ञान आत्मा ही उच्छलित होता, तब तो अहम के रहते सुषुप्ति कैसे होती। सुषुप्ति का अर्थ है जब अहम सो जाए तब सुषुप्ति, उसका नाम तो मनोराज्य होता, जागृत होता, स्वप्न होता। लेकिन स्मृति काल में अहम जग जाता है। अहम की बीजावस्था को लेकर अनुभव है और अहम जब प्रतिफलित होता है, उच्छलित होता है, तब स्मरण है। इसीलिए जो अनुभविता वही स्मरता, इस प्रकार का भ्रम सिद्ध होता है। मैं उदाहरण देता हूँ, नारियल का तेल पिघला हुआ है, उसमें कपूर मिला दीजिए, लेकिन नारियल का तेल शीत की, सर्दी की प्रगल्भता से घनीभूत हो जाए, तो घनीभूत होने पर भी उसमें वो कपूर का अंश रहेगा या नहीं रहेगा। अब एक जल बिल्कुल स्वच्छ है, पात्र में रखा हुआ है, आपके शरीर का उस पर प्रतिफलन पड़ता है। अब हिम की प्रगल्भता से, शीत की प्रगल्भता से वह फैला हुआ जल जिसमें आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वही घनीभूत हो गया और आप जो के तो वहाँ बैठे हैं। सम्मुख बर्फ भी है जिसमें जलावस्था को प्राप्त, बर्फ में क्या था, आपका प्रतिफलन हो रहा था, प्रतिफलन टूट गया क्या, वो बीज रूप में विद्यमान। इसी प्रकार सुषुप्ति में अहम का तिरोधान होता है, अहम का नाश नहीं। तिरोधान का नाम नाश होता है, सचमुच में अहम स्वरूप से विद्यमान रहता है। इसमें वो सारा शास्त्रार्थ जो बृहदारण्यक में चलाया गया अपने आप समझ लेना चाहिए। सुषुप्ति में अहम की बीजावस्था तो शेष रहती है ना, क्या सुषुप्ति में अहम की बीजावस्था शेष रहती है, क्योंकि हमने घट का अर्थ क्या किया, मिट्टी एक, घटोत्पादनी शक्ति दो, घट नाम तीन और घटाकृति चार। अब बीच में अगर ले लें तो पिंड, कपाल, ये सब और भी आ जाएंगे। घट, घट की पूर्वावस्था भी सब घट के अंतर्गत, लेकिन कम से कम चार सामग्री। इसी प्रकार अहम का चित्रण करना होगा, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि में भी अहम है। तो अहम ब्रह्मास्मि में जब अहम है तो क्या करना पड़ेगा, चित्त सामान्य एक, अविद्या दो, अहम शब्द या नाम तीन और अहमाकृति चार, अहंकृति चार। इसमें से चित्त सामान्य तो सुषुप्ति में रहता ही है, अविद्या भी रहती है जिसके योग से उस समय जीव का नाम प्राज्ञ होता है, अहम नाम तो विद्यमान रहता ही है, अहम की आकृति विद्यमान नहीं रहती। लेकिन सुषुप्ति में अनुभव होता है, वह अनुभव टूटने पर जो उसका संस्कार पड़ता है, घनीभूत अविद्या में घनीभूत अंतकरण का नाम ही, घनीभूत अंतकरण का नाम ही अविद्या है। घनीभूत अहंकार में, अंतकरण में जो अनुभव का संस्कार पड़ता है, वही जब प्राज्ञ वैश्वानर या विश्व होकर उद्भूत होता है तब स्मरता बन जाता है। अनुभविता था प्राज्ञ, स्मरता होता है विश्व या वैश्वानर। जागृत अवस्था का अभिमानी चेतन यूँ भी कह सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, जब वैश्वानर भावापन या विश्व भावापन जीव है तो भी प्राज्ञ है या नहीं, जब तेजस भावापन है तो भी प्राज्ञ है या नहीं।
सुसुप्ति में जब केवल प्राज्ञ भावापन्न है तब प्राज्ञ तो है, विश्व तेजस की बीजावस्था है, विश्व तेजस का विलोप सुसुप्ति में भी नहीं है और प्राज्ञ का विलोप जागृत में भी नहीं है। तो बीजावस्था को प्राप्त विश्व तेजस होता है सुसुप्ति में, इसीलिए अनुभविता प्राज्ञ होता है, स्मरता वैश्वानर हो जाता है या विश्व हो जाता है। बहुत गंभीर विषय है। तो जीव कितना प्रबुद्ध था जो शूरसेन चित्रकेतु का पुत्र होकर आया, उसने कहा जीवो नित्यो अहमिरहंकृतः। देवर्षि नारद जी, जिनको आप मेरे माता पिता बताते हैं वो भी सुन लें, आप तो सुन ही रहे, अंगिरा जी तो सुन ही रहे, जीव नित्य है और निरहंकृत है, निरहंकृत है, अहंकार से रहित। सुषुप्ति अवस्था में जीव का यही स्वरूप प्रकट होता है। आठवां हो गया, नौवां, एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाशय स्वधिक आत्ममाया गुणैर विश्वमात्मानं सृजति प्रभु। हमारे दस स्वामी होते तो क्या कहते, इतना ऊंचा ज्ञान होता तो जीव का जन्म ही क्यों होता। ये तो नारद जी और अंगिराज जी ने शक्तिपात करके उस जीव से बुलवा दिया। एक बार उन्होंने जब मैं वसुदेव जी जो बोले हैं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, श्रीमद् भागवत दसम स्कंध तीसरा अध्याय उसकी व्याख्या कही कर रहा था प्रवचन वृंदावन में, उन्होंने कहा वसुदेव जी की जितनी आप प्रशंसा करें उतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमने कहा फिर वो तो भगवान का दर्शन हो रहा था ना, भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान की दी हुई प्रज्ञा बोल रही थी, वसुदेव जी को इतने पढ़े लिखे थोड़े थे। बात तो फिर कहा उन्होंने, ध्रुव जी कौन से पढ़े लिखे थे, भगवान ने शंख छुआ दिया बोलने लग गए, अब वो भगवान बोलवा रहे थे या ध्रुव जी बोल रहे थे। हमने कहा जज लोग ऐसे ही बोलते हैं ठीक। बड़ी विकट बात, क्या अर्थ हुआ। तो यहाँ भी आश्चर्य होता है, उस जीव का जन्म हुआ था, उस जीव ने शरीर छोड़ा, अगर केवल मोक्ष मिल गया होता तो जीव आता कैसे, बोलता कैसे। मैंने अभी भी तो उस शरीर में न रहने पर भी जीव शेष था ना, उसका जीवत्व तब जब तक है तब तक जीव शेष है। इतना ऊंचा ज्ञान होने पर भी किसी का जन्म हो सकता है, इसलिए जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद करने के लिए बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए, इससे भी बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए, या तो अपने आप सिद्ध होता है। नित्य है जीव, अविनाशी है, अत्यंत सूक्ष्म है, तो बात ठीक ही है। सर्वाश्रय माने सबका आश्रय, स्वदृक माने स्वप्रकाश है, बहुत बढ़िया, ये सब ज्ञान था। इसका जो स्वरूप है उसमें तो जन्म मृत्यु आदि की गति ही नहीं है, और क्या कहा, एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाशय स्वदृक आत्ममाया गुणैर विश्वमात्मानं सृजति प्रभु। प्रभु भी कहा, गीता के पांचवें अध्याय में भी जीव के लिए भगवान ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया है। प्रभु है, देहेंद्री प्राणांतःकरण का नियामक ईश्वर है जीव, लेकिन अपनी माया अविद्या के गुणों से ही अपने आप को क्या करता है, आत्ममाया गुणैर विश्वम आत्मानं सृजति प्रभु, ईश्वर तक ले गए। वह ईश्वर भावापन्न होकर जगत की सृष्टि करता है। अब वहाँ अगर व्यष्टि जगत ले तो अभी देहेंद्री प्राणांतःकरण का रचयिता कौन है, जीव है। अर्थात जीव के, जीव की उपाधि के फलस्वरूप, अविद्या के फलस्वरूप ही उसे सूक्ष्म और स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। कितना ऊंचा ज्ञान था उस जीव को। न ही अस्याति प्रिय कश्चिन् न प्रिय स्व परोपि वा एका सर्वधियां दृष्टा कर्तृणां गुणदोषयोः। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय होता है तो हमने एक दिन कहा था
देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को भी भुलाकर सोने की भावना क्यों होती जी? बाहरी पत्नी आदि की तो बातें छोड़ दीजिए, शरीर भी इंद्रिय भी प्राण भी अंतःकरण भी अत्यंत प्रिय हो, इनको भुलाकर सोने की भावना ही कहाँ से हो। अति अप्रिय भी कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। जब तक पंचदशी, जब तक जिसमें अनुकूल बुद्धि है तब तक वो प्रिय है। प्रियता अप्रियता शाश्वत नहीं है, पंचदशी विद्यारण स्वामी जी ने कहा। जब तक जिसमें अनुकूल बुद्धि है तब तक वो प्रिय है, नहीं तो बंधु न हो मोरिया काला। वाली के लिए क्या कहा, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, काल है काल। और रावण ने अपने छोटे भाई के लिए कहा ये मेरा काल है, और विभीषण ने भी कहा ये मेरा काल है। लो जी भाई 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 तो भाई न हो गई तो लड़ाई। नैमिष वाले महाराज ने कहा था पहले ही, चीन से बहुत हाथ मिला रहा था भारत, नेहरू जी मिला रहे, उन्होंने कहा देखना चीन इनको गला दबा देगा, भाई 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 तो भाई न भाई तो हो गई लड़ाई। फरुखाबादी भाषा में उन्होंने कहा हो गई लड़ाई। अच्छा प्रहलाद तो बेटे ही थे पुत्र, क्या प्रहलाद को कौन मानते थे? हिरण्यकश्यप पुत्र मानते थे या काल? इसीलिए प्रियता अप्रियता तो अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर है। जब तक जो व्यक्ति वस्तु हमारे अनुकूल है तब तक उतने हम सब में प्रिय, जब तक जो वस्तु हमारे प्रतिकूल है तब तक उतने हम सब में अप्रिय। अग्नि जो है या गर्मी जो है वो सर्दी में क्या है, प्रिय है या नहीं? और वही गर्मी गर्मी में अप्रिय है, तो बड़ी विचित्र बात है। सहिष्णुता की सीमा में जब तक शीत उष्ण आदि की प्राप्ति होती है, सहिष्णुता की सीमा में जब तक शीत उष्ण आदि की प्राप्ति होती है तब तक वे प्रिय। सहिष्णुता का अतिक्रमण करके सर्दी गर्मी आदि की प्राप्ति होती है तो उनका नाम अप्रिय हो जाता है। कोई विश्व में अत्यंत अप्रिय नहीं है, कोई विश्व में अत्यंत प्रिय नहीं। लेकिन लगता तो है जब तक इसको मार नहीं दूंगा, कचूमर नहीं निकाल दूंगा तब तक मुझे चैन कहाँ, और जब तक इसको छाती से चिपकाए नहीं घूमूंगा तब तक चैन कहाँ। अरे चैन बड़ी विचित्र है, तुम अपनी छाती को तो छाती से चिपका कर रख लो तब सुसुप्ति होगी क्या? अपनी ही छाती को छाती से चिपका कर तुम सो नहीं सकते, पागल हो जाओगे। कोई भी अत्यंत अप्रिय नहीं होता। आज जिसको अप्रिय, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा, प्रशंसा प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। वहाँ की भाषा काशी की क्षेत्र भाषा है, काशी क्षेत्र। किसी की निंदा मत करो, हो सकता है कल तुम्हें प्रशंसा करने के लिए उत्सुक होना पड़े। किसी की प्रशंसा मत करो, हो सकता है कल उसकी निंदा करने के लिए तुमको विवश होना पड़े। न अत्यंत कोई प्रिय है न कोई अत्यंत अप्रिय है। व्यक्ति वही वस्तु वही। चानन भेल विषम सर रे, गोपियों ने कहा, विद्यापति का पद है, गीत है। जब श्री कृष्ण छल छल मिले नटनागर प्राणनाथ जीवन धन, हम गोपांगनाओं के बीच में थे तब सखी, ये चंद्रमा की पूर्ण चंद्रमा की चंद्रिका शीतल लगती थी, जीवनी शक्ति उलेरती थी, अब विषम सर के समान परिलक्षित हो रही है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, ये सुवर्णा भूषण भी हीरे आदि के भूषण भी। जब श्री कृष्ण परमानंद सुदासन मदन मोहन छल छविले नटनागर, हम गोपांगनाओं के बीच में होते थे तब भूषण भूषण के रूप में, अब ये भूषण भार बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिया पिया रटत पपिहरा रे, मोहे अति दुख लागा, कुदिन हित अदन अनहित रे, थिक जगत स्वभाव। गोपांग विद्यापति जी का पद है। ये जो पपीहे हैं सखियाँ, राधा रानी विश्वान नंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी अपनी सखियों से कहती हैं, पिया पिया रटत पपिहरा रे, मोहे अति दुख लागा,
जब श्री कृष्ण छल छबीले नटनागर नंदनंदन श्याम सुंदर हमारे बीच में होते थे, तब जब ये पपीहा प्यू प्यू की आवाज़ करता था मुझे बहुत सुख देता था। आज श्री कृष्ण चले गए ब्रज को छोड़कर मथुरा में, वही पपीहा वही हम या वही पपीहा वही मैं, लेकिन पपीहा जब बोलता है प्यू प्यू मुझे बहुत दुख मिलता है। इससे निष्कर्ष क्या निकाला विद्यापति जी ने राधा रानी के शब्दों में, कुदिन हिता जन अनहित रे थिक जगत स्वभाव। दुर्दैव के दुर्विपाक से जब कुदिन प्राप्त होते हैं तो हित हित करने वाले व्यक्ति भी अहित सिद्ध हो जाते हैं, यह जगत का स्वभाव है। बेचारे पपीहों को क्यों कोसूं, वो तो अपना बोलता है, पपीहे तो अपनी बोली में बोलता है, पहले भी बोलता था आज भी बोलता है, लेकिन श्याम सुंदर के रहने पर प्यू प्यू की आवाज़ हम गोपांगनाओं को सुख पहुंचाती थी, आज वही दुख देती है। चंद्रमा की चंद्रिका तो तब भी थी, आज भी है, लेकिन पहले श्याम सुंदर की विद्यमानता में चंद्रमा की स्निग्ध किरणें सुख पहुंचाती थी, अब विषम बाण के समान परिलक्षित होती हैं। तो प्रिय अप्रिय ये कोई स्थायी विषय नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि भी स्थायी नहीं है। जिसके प्रति आज अनुकूल बुद्धि है वह प्रिय है, जिसके प्रति कल प्रतिकूल बुद्धि हो जाएगी वह प्रिय, बड़ी विकट समस्या है। इसलिए यह सब कुछ स्थिर नहीं है, एक रस नहीं है। नहीं अस्याति प्रिय कश्चिन न ह्यस्याति प्रिय कश्चिन न प्रिय स्व परोपि वा। जिसको हम पर समझते हैं अपर समझते हैं, आज हम बैल को क्या समझते हैं पर, अगर कोई किसान किसी बैल को पर समझो कल खरीद लेता, अपर हुआ या पर पराया हुआ अपना, जिसको हम पर समझते हैं पराया वो अपना हो गया या नहीं, बैल अपना हो गया। जिस गाय को हम पराई समझते हैं कल दान में मिल जाए या खरीदने पर मिल जाए तो अपनी हो गई, बड़ी विकट। गोद लिया हुआ जब तक गोद नहीं दिया किसी को तब तक बेटा अपना है, गोद दे दिया तो हमने तो गोद दे दिया भाई वह उनका बेटा, वो जाने हो जाए हो गया, बड़ी विकट बात। इसीलिए पर अपर भी ये स्थायी नियम नहीं है। दूसरी बात है जिसको हम शेर समझते हैं, कल हमको प्रारब्ध के योग से शेर का शरीर मिल गया तब उसी शेर के जाति के दृष्टि से जिस शरीर सेब के शरीर को शेर के शरीर को हम पर समझते हैं, कल हमको ही वो शेर का शरीर मिल गया तब मृग का ध्यान करते करते मृग हो गए या नहीं, मृगाकार वृत्ति ने उनको मृग दंपति के माध्यम से मृग बना दिया या नहीं, तो क्या हुआ, कहाँ मृग कहाँ राजर्षि भरत जिनके नाम पर भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो मृग हो गए। जिसको हम आज समझते हैं पराया, कल वह प्रकारांतर से अपना ही नहीं आत्मा होकर हमको प्राप्त हो जाएगा, उसी शेर के शरीर को हम आत्मा समझने लगेंगे, मृग के शरीर को हम अपना आत्मा समझने लगेंगे। कितना बड़ा विवेकी था वो जीव। न यस्याति प्रिय कश्चिन न प्रिय स्व परोपि वा, एका सर्वधियं दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियां, वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है, वास्तव में अद्वितीय है। एका सर्वधियं दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। तुलसीदास ने लिखा मन की इन्हें वरियाई शत्रु मित्र इत्यादि जो है ये बलपूर्वक मन के द्वारा रचित है, न कोई शत्रु है न मित्र, बहुत बढ़िया है। दो जो द्वंद्व हैं वो शरीर की प्रधानता से हमको प्राप्त होते हैं। द्वंद्वों का वर्गीकरण कर लें तो जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास ये दो द्वंद्व स्थूल शरीर की प्रधानता से प्राप्त है।
लेकिन शत्रु मित्र आदि जो बुद्धि है, मान अपमान आदि जो बुद्धि है, लाभ हानि आदि जो बुद्धि है, ये मन की प्रधानता से न ह्यस्याति प्रिय कश्चि न प्रिय स्व परोपि वा एक सर्वधियम दृष्टा कर्तृणाम गुणदोष यो है। गुण दोष की जो मीमांसा है, मित्र शत्रु आदि की जो मीमांसा है, ये सब तो बुद्धि के द्वारा है। वास्तव में तो जिनको पराया समझते हैं और जिनको अपना समझते हैं, दोनों ही पराये या दोनों ही अपने। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण है, स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था के आतंकवादी ने आकर स्वप्नावस्था के रिवाल्वर का आलम्बन लेकर हमारी स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दिया। अब नींद टूटने पर, स्वप्न टूटने पर अगर कोई विवेकी है तो क्या विचार करेगा? वहाँ पर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आया था या छत्तीसगढ़ का या उड़ीसा का? हमारे स्वप्न में कौन था आतंकवादी? हमारा मन ही तो था ना। जो मन शरीर बना वही मन आतंकवादी बन के आ गया, वही रिवाल्वर बन के आ गया, वही गोली बन के आ गया। स्वप्नावस्था के शरीर तो सप्त धातुमय होते नहीं, लेकिन चक्षुर्बंध के द्वारा स्वप्नावस्था के शरीर से रक्तस्राव भी परिलक्षित हुआ। अब कोई व्यक्ति स्वप्न के रहस्य को नहीं जानता है तो समझ गए, वो समझेगा कि देखो स्वप्न में हमको कितना कष्ट दिया। स्वप्न में जितने शरीर हैं, इतना ही नहीं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, ये सब के सब मन ही है या नहीं? आपके चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन अर्थात हम आप ही समग्र स्वप्न के रूप में परिलक्षित होते हैं। उस समय पृथ्वी भी हमारा शरीर है, जल भी हमारा शरीर है, तेज भी हमारा शरीर है, वायु भी हमारा शरीर है, आकाश भी हमारा शरीर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रचयिता भी मन के योग से हम ही हैं, मनोद्वार से हम ही हैं। और यहाँ तक कि जितने स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर हैं वही, लेकिन तेजस की दृष्टि से हम स्वप्न को न देखकर जिस शरीर में अहम बुद्धि होती है उसमें सीमित मानकर जब हम स्वप्न का दृष्टा होते हैं तब अपने पराये की बुद्धि बनती है। समग्र स्वप्न साक्षी तेजस के रूप में अगर स्वप्न को देखें तो अर्जुन को प्राप्त दिव्य दृष्टि भी चकरा गई या नहीं, कुंठित हो गई, अर्जुन फिर भी भयभीत होने लगे, क्या बात है? हमको तो नित्य ही, आपको तो नित्य ही जब स्वप्न होता है तो दिव्य दृष्टि के बिना स्वप्न देख सकते क्या? अपूर्व स्थान धर्मोयम, भगवान गौड़पाद जी ने कहा स्वप्नावस्था में हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है भगवत कृपा से, उस दिव्य दृष्टि के बल पर ही स्वप्न शरीर का दर्शन हो सकता है। लेकिन वह दिव्य दृष्टि भी स्वप्नावस्था में श्री कृष्ण कौन होते हैं? समग्र स्वप्न का साक्षी तेजस वे सकल भव्य अभव्य अनुकूल प्रतिकूल सारी सृष्टि को आत्मसात करने में समर्थ हैं, उनको विचलित करने में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्थावर जंगम प्राणी कुछ भी समर्थ नहीं। लेकिन जिस शरीर को लेकर हमारी तादात्म्यापत्ति या अहम बुद्धि होती है उस शरीर का दर्शन भी, स्वप्न प्रपंच का दर्शन भी हमको किससे होता है? दिव्य चक्षु से। लेकिन हमारा दिव्य चक्षु भी उस समय हमको रुला देता है। न ह्यस्याति प्रिय कश्चि न प्रिय स्व परोपि वा एक सर्वधियम दृष्टा कर्तृणाम गुणदोषयो है। न दत्त आत्मा ही गुणम न दोषो दोषम न क्रिया फलम उदासीन वदासीन परावर्जिगीश्वर है। वह जीव बोला जी कितना ऊंचा ज्ञान था, वही जब स्वामी होते तो कहते इतना ऊंचा ज्ञान होता तो बेचारा जन्म ही क्यों लेता, और कैवल मोक्ष हो गया होता तो नारद जी बुलाते किसको? वो नारद जी उसके मुँह से बुलवा रहे थे, जब स्वामी होते तो ऐसे कहते। अंग्रेजी से मुझे परहेज नहीं है, इंग्लिश मीडियम से ही अब तो सब भूल भाल गया। हमारी साइंस की पढ़ाई 9वीं 10वीं तक जो भी इंग्लिश मीडियम से हुई है,
और एक अक्षर भी हिंदी में न प्रश्न करने का था न उत्तर देने का, लेकिन वो सब गए गेल भैंस पहने सब बोल गया। एक तो विष का प्रभाव, एक अभ्यास छूट गया। लेकिन हमने अंग्रेजी के थोड़ा अध्ययन करने के बाद भी, अंग्रेजी का ग्रामर हमारा बहुत मजबूत था, सुदृढ़ था, लेकिन अंग्रेजी का थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद भी अब तो केवल अक्षर को पहचान पाता हूँ, यही समझना चाहिए। अंग्रेजी का कोई साहित्य मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए उसका प्रभाव मुझ पर नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने के बाद जो अंग्रेजी का दर्शन, अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजों के ग्रंथ आदि पढ़ लेते हैं, उनके स्वभाव में कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ अंग्रेजियत का समावेश हो ही जाता है। इसलिए सनातन वैदिक धर्म के मार्ग पर तो नहीं चल पाते, कहीं न कहीं जाकर फिसल जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ही पाश्चात्य हो जाती है। भाषा तब तक भाषा है क्योंकि भाषा का एक स्वभाव होता है तदगत भाव को भी ला कर रख देती है। भाषा तदगत भाव को ला कर रख देती है, इसलिए हमने कहा कि ऐसा होता है। तो जल स्वामी होते बहुत अच्छे थे, उनको कोई हिला डुला नहीं सकता था। कबीर पंथियों के सबसे ऊंचे गुरु के पास भी जाते थे, एक से एक भारत को समय उधर जो दक्षिण के सब थे, हुआईएम के लेखक आदि सबके पास वो जाते थे। बहुत संतोष मिलने का व्यसन था। 15 वर्ष की आयु में पूज्य अखंडानंद जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली थी, बहुत बड़े जानकार थे और मनुस्मृति आदि के भी जानकार थे। सब कुछ होने पर भी वो यही कहते, इस जीव को इतना बड़ा ज्ञान होता है तो बेचारा सूरसेन चित्रकेतु का बेटा ही कैसे बनता, और इतना बड़ा ज्ञान होता तो जीव को बुला लिया तो बोलता कैसे। इसलिए नारद जी उसके मुँह से बोलकर इसको समझाने लगे, वो यही बोलते, न दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम उदासीन वदासीन परावर दिगीश्वर। कार्य कारण का साक्षी है, सर्वथा स्वतंत्र है, शरीर को लेकर, इंद्रिय को लेकर, अंतःकरण को लेकर, प्राण को लेकर गुण दोष जो होते हैं सबसे अलिप्त ही है। कर्म फल को भी न दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, गीता में जैसा लिखा है बिल्कुल, यह विभु है, प्रभु है, उदासीन वक्त स्थित रहता है। अब आप पिताजी हमको पुत्र ही मानते हैं तो सुन लीजिए, कौन पिता कौन पुत्र। जब तक का दाना पानी था शरीर में रहा, अब चल बसा, न मैं आपका पुत्र न आप मेरे पिता। लेकिन सनातन धर्म है, हम लोग शरीर को लेकर ही बेटा बेटी पति पत्नी का संबंध निर्धारित नहीं करते, वो तो देहात्मवादी करते हैं। क्या पत्नी जीवन भर शरीर छोड़ने वाले पति के नाम पर जीवित रह जाती है क्या? ये सनातन धर्म है। और पति भी जीवन भर शरीर छोड़ देने वाली पत्नी के नाम पर फिर दूसरा विवाह न करके जीवित रह जाता है। मरे हुए पुत्र के लिए भी व्यक्ति साध करते हैं जीवात्मा तक पहुँचे, मरी हुई पत्नी के लिए, मरे हुए पिता पितामह के लिए भी, ये सनातन धर्म है। तो जीव का संबंध संकल्प के बल पर, भावना के बल पर, विधि के बल पर, मंत्र के बल पर, देह त्याग के बाद भी जीव से बना रहता है। तथापि न सूर यो हि व्यवहार मैनम तत्वावमर्शे न सह मनंति। यहाँ पर मोह के अपनोदन का प्रकरण है, शोक के अपनोदन का प्रकरण है। तो सगुण निराकार जो जीव है, सगुण निराकार जीव दूसरे का क्या संबंधी बनेगा? कुछ भी नहीं। शरीर को लेकर ही पिता पुत्र इत्यादि का संबंध है,